हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये जो है ये कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये जिस जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ये उसी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने कहा हमारे पास एक एलिमेंट है CO2। अभी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो है कुछ उसी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। ऐसे ही हमारे पास और भी सारे एलिमेंट हैं, H2O। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वन और से मतलब जो मॉलिक्यूल्स में कम से कम जो है टू एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, दो से भी अधिक भी एटम्स हो सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्रुप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होता एटम्स होते हैं जो आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा CO2, H2O, उस तरह से। ठीक है, ये सब जो है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए आगे है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, इसमें सेम एटम भी जुड़कर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एटम भी जुड़कर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे हमने कहा O2, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये O से और O से मिलकर बना हुआ है सेम एलिमेंट से। फिर हमने कहा दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CO2। अब ये CO2 क्या है, C से मिलके बना है और O से और O से मिलके बना है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कुछ हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए N2 हो गया, O मिलके O2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 हो गया, आगे Cl और Cl मिलके क्या हो गया, CO2 बन गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बन गया। एक C और टू क्या है, O है, तो CO2 बन गया। ऐसे यहाँ पे NOO मिलके क्या हो गया, NO2 बन गया। ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक ना, इसमें क्या होता है, जो भी एटम होंगे वो जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो एक ही एटम से मिलकर बनेगा। यानी जो इसमें अलग अलग एटम आएंगे, ठीक है ना, इसमें जो भी एटम रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ दी सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू आर मोर एटम। ठीक है ना, कुछ में क्या होंगे, टू आर मोर एटम होंगे और कुछ में क्या होंगे, केवल एक ही एटम होगा। ठीक है, आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, चलिए एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, देखिए अभी इसमें देखिए हम लोग अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल होगा, O2 हो गया, सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद N2 हो गया, N और N से मिलकर बना हुआ है, तो वो सब उसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, चलिए एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वन मोल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब एटॉमिसिटी मीन्स ये जो है एक नंबर होता है। हमारे पास कोई भी जो है मॉलिक्यूल है,
ठीक है, उसमें जो है कुल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल। एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट यहाँ पे गिवन है हमको, एक मिनट, जैसे हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और जो उसकी एटॉमिसिटी हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने जो है पहला एग्जाम्पल ले लिया O2। अब देखिए ये क्या है, ये दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, एक वन हो गया एक ये वन हो गया, कुल कितना हो गया टू। तो इसकी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, टू हो गई। ठीक है ना, ऐसे ही सल्फर होता है तो इसका सिंबल क्या होता है, S8। अब ये क्या है, इसमें सल्फर के 8 मॉलिक्यूल मिलके बने हैं। ठीक है ना, 4 + 6 + 7 + 8, तो सल्फर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 8। ठीक है ना, जितने एटम होंगे उतने ही जो है उसकी एटॉमिसिटी होगी। ठीक है ना, आई होप ये जो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें, एक मिनट, यहाँ पे हम जो लिख देते हैं ये क्या है, पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट, चलिए देखते हैं क्या लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो है दो या दो से अधिक जो है डिफरेंट टाइप के एटम्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसी के हम लोग कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो, कम से कम दो एटम्स अलग अलग प्रेजेंट हों। ठीक है, जैसे आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, देखिए यहाँ पे वाटर हो गया, अब वाटर में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है ना, देखिए ऐसे हो गया, हमने ले लिया कंपाउंड अमोनिया, फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, दो एटम्स हैं, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, अब कुल कितने एटम हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया और नाइट्रोजन 1 हो गया, तो कुल मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे ऊपर वाले में कितना कुल होगा, 3 होगा, 2 और 1 3 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, दो हैं, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन कुल इसमें कितने एटम हैं, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलके हो गया 3। समझ गए आप, ठीक है, तो इस तरह से ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, इसको हमने जो एक टेबल के फॉर्म में इसको शो कर दिया है, आप लोग जो इसे याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैं। ठीक है, और जो है सबका जो है फॉर्मूला क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हो गया सब। ठीक है, नेक्स्ट है आयंस। ठीक है ना, अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में, आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना, मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उसपे जो है कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। अब ये एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, उसे क्या बोलेंगे, कैटायन, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसे क्या बोलेंगे, एन आयन, नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है ना, और पॉजिटिव के लिए क्या बोलेंगे, कटायन। समझ गए ना, चलिए आगे और कुछ देखते हैं। आगे है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी
वैलेंसी क्या होती है, चलिए थोड़ा इसमें आयंस में हम लोग और पढ़ लेते हैं आयंस, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे जो है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड का, क्या फॉर्मूला है, NaCl, ठीक है। जब ये अपने आयंस में ब्रेक होता है तो ये कैसे बनता है, ये सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया। तो जो चार्ज होते हैं उसको हम लोग ये जो है राइट साइड में कॉर्नर में लिखते हैं, ठीक है ना, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, ये आगे हम लोग पढ़े ना अभी ऊपर, और इसे क्या बोलते हैं, इसे एनायन बोलेंगे, ठीक है। आई होप आयंस के बारे में थोड़ा सा जो है आपको डिटेल में मिला होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बैलेंसी। ओके, बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो जो है दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो जो है कितने कैपेसिटी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, वही क्या होती है, उसकी बैलेंसी होती है। सम कॉमन आयंस एंड दियर बैलेंसीज, आगे टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आयंस हैं और उसकी बैलेंसी के बारे में हमको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये लिखा है बैलेंसी, यहां बैलेंसी है, ये आयंस का नाम है और ये सिंबल है उसका, फिर वैसे ही आयंस का नाम सिंबल, आयंस का नाम और सिंबल, ठीक है। तो देखिए जिस पे जितना चार्ज रहता है उतने ही उसकी बैलेंसी होती है, ठीक है। सोडियम में कितना चार्ज है, प्लस वन चार्ज है, उसकी बैलेंसी क्या हो गई, वन हो गई। हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज है, उसकी बैलेंसी कितना हो गई, वन हो गई। अमोनिया पे कितना चार्ज है, NH4 माइनस, देखिए माइनस है, ठीक है ना, एक ही चार्ज है, इसकी बैलेंसी कितना होगी, वन हो गई। ऐसे नीचे आते हैं देखिए, इसका हो गया मैग्नीशियम, इस पे कितना चार्ज है, प्लस टू चार्ज है, ठीक है, इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगी, टू, ठीक, बैलेंसी कितना हो गया, टू। ऐसे ही देखिए यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन में इस पे कितना चार्ज है, वन है, ठीक है, इसकी बैलेंसी कितना हो गई, वन हो गई। कार्बोनेट CO3 टू माइनस, कितना माइनस है, टू माइनस है, मतलब इसमें क्या है, दो निगेटिव चार्ज हैं, एक ऐसे माइनस फिर एक ऐसे माइनस, दो निगेटिव चार्ज हो गए, इसकी बैलेंसी कितना जाएगा, इसकी बैलेंसी हो गई टू, ठीक है। तो जो है आयंस पे जितने चार्ज होंगे उतनी ही उसकी बैलेंसी होगी, ठीक है। अब पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है ना, जितने चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो उतने ही जो है उसकी बैलेंसी होगी, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।